लखाव के यूपी वर्षी लौड़ था सभी से मैं अनुरोध करूंगा आए हुए अतिथियों का मान सम्मान करेंगे आप समृद्धि चिन्ह के द्वारा धन्यवाद जी और भाई पहली रेड में लखावटी की टीम ने 2 पॉइंट अर्जित कर दिए हैं। लखावटी की तरफ से भानु ने रेड की थी। यूपी योद्धा का ये खिलाड़ी है जो कबड्डी का पॉइंट अर्जित किया। और देखिए भाई केवी विशाल की तरफ से मास्टर खुशी राम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। स्वागत है मास्टर खुशी राम जी केवी स्कूल भाई जी। सर जी अमित हुड्डा एकेडमी को बार बार बोला जा रहा है ठीक नहीं है तो आकर के बताइए कोई भी खिलाड़ी की हमारी टीम है नहीं तो हम अगला मैच छोड़ रहे हैं भाई। भाई स्कूल सी मैदान पर आ जाए आपको वातावरण मिल जाएगा टीम नहीं होगी तो जल्दी मैदान पर आए। भाई स्कूल सी अमित हुड्डा एकेडमी ये दोनों टीमों के बीच में मैच है मैदान पर आ जाए दोनों टीमें और उसके बाद मैदान नंबर 2 पर मैच होगा एमडीयू वर्सेस गेहूं बी। नोट कर ले मैदान नंबर 2 पर ही आपका मैच होगा एमडीयू वर्सेस रोहतक वर्सेस गेहूं बी के बीच में और मैदान नंबर 1 पर जो ये मैच चल रहा है इसके तुरंत बाद मैच होगा बुरशाम वर्सेस पाई स्कूल बी। केवीएम पब्लिक स्कूल पाई के जो प्रबंधक हैं डायरेक्टर हैं आदरणीय खुशी राम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं स्वागत है। अब मान सम्मान आदरणीय श्री रणदीप सिंह जी बोला विधायक मंत्री का हाँ जी मान सम्मान आदरणीय सारी खेल समिति राम निवास जी राजवीर जी पीजी जी हमारे अनिल को साहब दिलबाग सिंह जी ढोल सुरेंद्र जी टूगी सभी साथियों से अनुरोध करवा बकार सिंह जी हरियाणा पुलिस एक बार सम्मानित कर दो गाड़ी में रखवा दो बकार सिंह हमारे से कोई गलती नहीं रह जाए इसलिए मान सम्मान कर दो एक बार और सब जी से अनुरोध करो ये बैठे के देख कर जाएंगे एक बार मान सम्मान है गाड़ी में रखवा देना शमशेर सिंह जी ढोल साथ में आदरणीय नरेंद्र जी सरपंच पिलरी साथ में नरेंद्र बली जी पोलो सरपंच प्रत्याशी पाई साथ में रणदीप सिंह जी गोल विधायक कोटरी को सम्मानित कर रहे हैं रामनिवास जी अनिल कोल साहब बलकार सिंह जी सुरेंद्र जी रामनिवास जी दिलबाग सिंह जी आदरणीय राजवीर जी ये गाड़ी में रखवा दो सम्मान ताकि हमारे से कोई गलती न रह जाए। और देखिए नरेंद्र शर्मा जी सरपंच पिलरी सम्मानित किया जा रहा है और ये सारा जो उपहार है गाड़ी में रखवा दो जी गाड़ी में रखवा दो रामनिवास जी गाड़ी में रखवा दो सम्मान
उड़पी हो तो कम प्रॉब्लम शानदार टीम उतारी अभी धुना ने
नंबर दो पर दो टीम है जो इस समय ग्राउंड पर है, पाई गांव की तरफ टीम है वो पाई स्कूल सी, और पहाड़ा की साइड जो टीम है वो अमित हुड्डा अकेडमी। बहुत अच्छा मैच ग्राउंड नंबर दो पर भी लगेगा, ग्राउंड नंबर एक पर भी बड़ा शानदार मैच चलता हुआ। लोलथा वर्सी लखावटी उत्तर प्रदेश के बीच में। ग्राउंड नंबर एक पर दोनों टीमें ग्राउंड के नजदीक आते हैं, बुडान वर्सी पाई स्कूल ए। पाई स्कूल ए और बुडान बहुत अच्छा मैच होगा, दोनों टीमें तैयार होकर मैदान के नजदीक आ जाए। ग्राउंड नंबर एक पर ये मैच होगा जहां पर लखावटी और मोलथा के बीच में मैच चल रहा है, इस ग्राउंड पर मैच होगा बुडान वर्सी पाई स्कूल ए। ग्राउंड नंबर दो पर जो मैच चल रहा है वो पाई स्कूल सी वर्सी अमित हुड्डा अकेडमी। बहुत ही अच्छी टीमें हैं दोनों ही। स्कोर है 21-13, यूपी का स्कोर 21 है और चौथा 13।
इस मैच के तुरंत बाद पुराण खिला खींच और पाई एडे ये टीम ने ग्राउंड नंबर एक पर रिपोर्ट करें। 2 पॉइंट गोल था पानी पर, बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। अब थर्ड रेट टीम नंबर जर्सी का खिलाड़ी मानो इस समय थर्ड रेट करता हूँ। और देखिए 7 अप्रैल को सांगी जिला रोहतक में बहुत बड़ी चैंपियनशिप है बॉयज की, हाल ओपन है जिसका पहला इनाम 1 लाख, दूसरा इनाम 71,000 रुपए। गांव सांगी जिला रोहतक में 7 अप्रैल 2024 को बहुत बड़ी चैंपियनशिप है जिसका पहला इनाम 1 लाख, दूसरा इनाम है 71,000 रुपए। सांगी जिला रोहतक, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी 1,51,000 रुपये पहला इनाम, दूसरा इनाम 1,01,000 और तीसरा जो चौथा पुरस्कार है क्रम से 21,000 रुपये बना था। और बैच लेकर और कैचर को एलईडी के रूप में दिए जाएंगे, एलईडी के बैच लेकर कैचर के उपहार के रूप में होंगे। पहला इनाम 1,51,000 रुपये पाई इस प्रतियोगिता में, दूसरा इनाम 1,01,000, तीसरा और जो चौथा क्रम से जो दो टीमें लूज करती है 21,000 रुपये सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को बैक रेडर कैचर के लिए एलईडी। और भाई 31 मार्च और 1 अप्रैल को बहुत बड़ी प्रतियोगिता बरवाड़ा जिला पंचकूला में जिसका पहला इनाम 1,01,000, दूसरा इनाम हमारा 51,000 रुपये और ऑल ओपन है चैंपियनशिप बॉयज सेक्शन। मैदान नंबर 1 पर जो मैच चल रहा है बहुत ही रोमांचक मोड पर मैच है जी जी। 18-22 का स्कोर है, 18 खंड उठागे प्रतियोगिता है बरवाड़ा में और 1 तारीख 1 अप्रैल को ऑल ओपन है जिसका पहला इनाम 1 लाख, दूसरा इनाम 51,000 रुपए बरवाड़ा जिला पंचकूला हरियाणा प्रदेश में महाराणा प्रताप सिंह स्पोर्ट्स क्लब एवं स्पोर्ट्स समस्त गांव के वासियों के द्वारा भाई शाहिद राणा नसीब राणा बड़े बधाई के पात्र हैं। बहुत बड़ी चैंपियनशिप ये 13वीं प्रतियोगिता होगी गांव में, प्रतिवर्ष प्रतियोगिता होती है। पहला इनाम 1 लाख, दूसरा इनाम 51,000 बरवाड़ा पंचकूला हरियाणा। और समय रहेगा 31 मार्च को बेटी है 65 किलोग्राम बावर की, 1 अप्रैल को पाल ऊपर समिति में पहुंचे हुआ बिल्कुल हमारी खेल समिति ने रखे हैं जिसका पहला इनाम है 1 लाख रुपए, दूसरा इनाम 71,000 रुपए, तीसरा इनाम 31,000 और चौथा 21,000 रुपए। ये ऑल ओपन की प्रतियोगिता होगी गांव पाई में इसी सेट के नीचे 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को, 1,71,000 और तीसरा जो 31,000 चौथा 21,000 और सुपर टेक्नो बिल्कुल कैच लगा दी है लखावटी उत्तर प्रदेश की टीम ने 2 पॉइंट जीत किए, सुपर टैकल के 2 पॉइंट लखावटी की टीम को मिले और अपडेट पर हरेंद्र एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है प्रो कबड्डी में, आपने देखा होगा हरेंद्र इस समय रेड पर पॉइंट लेने में कामयाब रहा है। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच में, नौलत था पानीपत बहुत ही मजबूत टीम है, उत्तर प्रदेश लखावटी ये भी बहुत मजबूत टीम है। और लीजिए मैं साथियों बिल्कुल एक और मैच लगा दिया प्रशांत ने, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है लखावटी उत्तर प्रदेश टीम का हिस्सा। और ग्राउंड नंबर 2 पर जो मैच चल रहा है उसमें अमित उल्टा अकेडमी की टीम आगे चल रही है, बहुत ही अच्छी टीम है, सभी के संग प्रो कबड्डी के सितारा उस टीम के हिस्सा है। अब जो 4 नंबर जर्सी का खिलाड़ी है दीपक नरवा, हेलो भाई, सबसे पहले तो आप सभी को दोबारा भी नमस्कार और आज टूर्नामेंट का दूसरा दिन और मेरी तरफ से हमारे मिल्खा सिंह बहुत ही आदरणीय तेलुगु टाइटल के कोच रिटायर्ड एसपी
कृष्ण कुमार जी और साथ में लखावटी के विनर वाइस मैच पटना पायलट्स के कोच और हमारे बहुत जुझारू नेता